अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो अक्षम को सक्षम बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति हजारों लाखों में विरले होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसके काम ही उसकी पहचान बन गई हैं। नाम है M.L. मेहता, मीठालाल मेहता। 25 दिसंबर सन 1938 में चित्तौड़ के एक छोटे से गांव भातसोड़ा में मोतीलाल मेहता और वर्दीबाई मेहता के मध्यम वर्गीय परिवार में दूसरी संतान के रूप में मीठालाल मेहता साहब ने जन्म लिया। परिवार में ना शिक्षा थी और ना संपन्नता, फिर भी इस होनहार बालक में गजब का हौसला था। इसी जज्बे की ताकत ने उन्हें देश और दुनिया में एक मुकाम तक पहुंचाया जिसकी कल्पना खुद उन्होंने भी नहीं की थी। उनकी उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार आज गौरवान्वित है। पांचवी तक की शिक्षा उन्होंने अपने ही गांव में अर्जित की। मेधावी और होनहार तो वो थे ही, पर पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी होने की वजह से 9 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने पास ही के गांव भदेसर में परिवार से दूर और अकेले रहकर 8वीं तक की पढ़ाई की। कड़ी मेहनत और लगन से शिक्षा में साल दर साल सफलता का परचम लहराने लगे थे। उन्होंने महाराजा भोपाल कॉलेज से बीएससी में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1960 में वो राजस्थान विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमएससी करके चांसलर्स गोल्ड मेडलिस्ट बने। जीवन का ये स्वर्णिम मोड़ तब आया जब राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए किसी ने उनसे कह दिया था कि मेवाड़ के ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों में इतना कौशल नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज में सफल हो पाए। ये बात उनके मन को गहराई तक छू गई। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब वो स्वयं आईएएस बनकर दिखाएंगे। तब उन्होंने अपने सामने लक्ष्य रखा कि वो लिखित परीक्षा में इतने अंक ले आएंगे कि फिर इंटरव्यू में शून्य आ जाए तो भी उनका चयन ना रुक सके। बस फिर क्या था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी और 1963 में उनका चयन हो गया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उन्हें 42वीं रैंक मिली थी, लेकिन वो यहां भी पीछे कहां रहने वाले थे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने 9वीं रैंक हासिल कर ली। गांव के एक साधारण व्यक्ति ने उस बुलंदी को छूकर दिखा दिया जहां तक बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। उनका पूरा जीवन काल नवाचार करने और समाज के हर अक्षम व्यक्ति को सक्षम बनाने में गुजरा है। वो गांधी जी और विनोबा जी के परम अनुयायी रहे हैं। उन्होंने हमेशा सादा जीवन जिया। स्वावलंबन उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। प्रसन्न मुख और विमल दृष्टि वाले मेहता जी हर व्यक्ति की बात पूरे गौर से सुनते थे। उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। मिलनसारिता उनके व्यवहार का अभिन्न अंग रहा है। दिन हो या रात, उनके घर के दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले रहते थे। 1968 में कलेक्टर के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग डूंगरपुर में हुई। इसके बाद 1970 में भीलवाड़ा कलेक्टर रहे। इन जिलों में कई चुनौतियां थीं, जिनका ना केवल सामना किया बल्कि उनका स्थायी समाधान भी उन्होंने किया। निष्ठावान और कर्मशील मेहता जी ने जनता का पूरा साथ दिया, जिससे लोगों में उनकी छवि एक समाजसेवी के रूप में उभर कर सामने आई। 1971 में उन्हें दिल्ली में गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। यहीं रहते हुए वो अर्बनाइजेशन कोर्स यानी शहरीकरण को समझने और पढ़ने के लिए लंदन चले गए। करीब 5 वर्ष बाद 1977 में वो राजस्थान में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव बनकर लौटे। हर जगह उन्होंने प्रेरक की भूमिका निभाई। 1977 में ही वो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के सचिव बन गए।
इस पद पर रहते हुए उन्होंने पूरे राज्य के हर उस अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ दिलाने वाली योजनाओं को प्रारंभ किया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंत्योदय योजना के वो जनक थे। 1981 में मेहता जी को ओटीएस का डायरेक्टर बनाया गया। 1986 में इन्हें प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान आजीविका मिशन, अपना गांव अपना काम, रुख भायला, जनमंगल और राजलक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की और राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन मीठालाल मेहता की समाज हित की सोच का नतीजा है, जो आज भी लोगों के कौशल का विकास करता है और उन्हें रोजगार से जोड़ता है। उनकी बनाई गई योजनाओं को देश के कई राज्यों में भी अमल में लाया गया। इस तरह से राजस्थान के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। 1994 में श्री मेहता को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत दिल्ली से राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर लाए। मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल में आपने प्रशासन व आम आदमी के बीच की दूरी को कम किया। 1997 में सरकारी जिम्मेदारियों से वो सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन सेवा से वो जीवन के अंतिम क्षण में भी निवृत्त नहीं हुए थे। वो उम्र के 75वें पड़ाव में भी एक युवा की भांति सामाजिक हित के कार्यों को अंजाम दे रहे थे। अपने उच्च आदर्शों एवं सिद्धांतों और शालीनता के साथ मीठालाल मेहता जी अपने आखिरी वक्त तक समाज की सेवा करने में लगे रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनका एक महत्वपूर्ण सपना साकार हुआ, जिसका नाम सुमेधा रखा गया। 1998 में सुमेधा का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था मेधावी गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सहूलियत देना। मेधा किसी की दत्तक नहीं होती, मेधा किसी की बपोती नहीं होती। गरीब के यहाँ बच्चा पैदा होता है मेधावी, तो उसकी मेधा का क्षरण हो जाता है, और मेधा के क्षरण का नुकसान केवल उसको ही नहीं होता, समाज को होता है, क्योंकि मेधा समाज की संपत्ति है। तो हमने एक ये संगठन बनाया सुमेधा, जहाँ हम गरीब बच्चों को, गरीब परिवार के मेधावी बच्चों को, जिनके 70% से अधिक अंक हैं और जो पिता नहीं है, जिनके आर्मी मेंबर नहीं है फैमिली में, या गरीब हैं, लड़का हो या लड़की, किसी भी जाति वर्ग के धर्म के हों, उनको पिकअप करते हैं, उनको साल में 7-8 लाख रुपये का असिस्टेंस देते हैं। समाज सेवा का उनका क्रम यहीं नहीं थमा। 2002 में उन्होंने आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान का गठन किया, जिसने राज्य में नेत्रदान की अलख जगाई। प्रथम, कड्स, एडल्ट एजुकेशन, सृजन, दूसरा दशक, अरावली, संधान, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस सेवा मंदिर, प्रगति ट्रस्ट, IIHMR, गोपाल, कुबेर, परिजात, स्वच्छ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड, नॉर्दर्न रीजन ऑफ RBI, प्रसार भारती, चेयरमैन फोरम फॉर पॉपुलेशन एक्शन, चेयरपर्सन IIHMR यूनिवर्सिटी, फाउंडर चेयरमैन राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इन केनिया एंड तंजानिया, वाइस चेयरमैन राजस्थान मिशन इन लाइवलीहुड, चेयरमैन सांवलिया ट्रस्ट, भातसुड़ा एंड प्रगति ट्रस्ट, मोतीलाल बर्दीबाई ट्रस्ट, डायरेक्टर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैभव जेम्स, और भी कई समाज सेवी संस्थाएं हैं जिनके सूत्रधार के रूप में मेहता जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 दिसंबर 2014 को वो हर बंधन से मुक्त हो गए और हम सबको अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गए। मीठालाल मेहता के अभूतपूर्व कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। मेवाड़ गौरव सम्मान उन्हें मिला। 1998 में आचार्य जयमल ज्ञान सम्मान से सम्मानित किया गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा द पॉल एच
एप्पल बाय अवार्ड प्रदान किया गया। अप्रैल 2015 में मरणोपरांत उन्हें समाज सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो उनकी पत्नी कमला मेहता जी ने ग्रहण किया। समाज के किसी भी क्षेत्र में होने वाले नवाचारों और उल्लेखनीय सरकारी नीतियों का सहयोग करने और आगे बढ़ाने के लिए 4 जून 2015 को मेहता जी की याद में एमएल मेहता मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की गई। ऐसे कर्मवीर मीठालाल मेहता को शत शत नमन।